नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की क्लासेस। इसके साथ साथ ही हमने एक नया आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाह रहा हूं मैं। इसके साथ साथ हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है बेसिकली कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स के लिए, जहां हम आपको वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स उनके नोट्स भी मिलेंगे, प्लस आपको वहां पे क्यूज भी अवेलेबल है। वहां से आप क्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो हमारे वेबसाइट का लिंक है वो वीडियो के नीचे भी आपको विजिबल रहेगा। वहां से भी आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और जो कंटेंट अवेलेबल है वो वहां से रीड कर सकते हैं। तो हम आपके लिए रोज नए नए वीडियो रिलीज कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आज एक नई यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और आपके इस जो एग्जाम है इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे जो यूनिट है बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर में डीबीएमएस में से कौन कौन से टॉपिक कवर किया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस, जो डीबीएमएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या आपके इस कोर्स में इंक्लूड है। तो पहला टॉपिक इसके अंदर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। पहला ओवरव्यू ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, तो वो उसका ओवरव्यू है। दूसरा है देन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो जो डेटाबेस सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन से आर्किटेक्चर है, पी टू पी है, जो भी है, नेटवर्क डेटाबेस, आरडीबीएमएस, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा दैट इज आरडीबीएमएस, जिसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके बाद में हमारा रहेगा डेटाबेस डिजाइन और मैनिपुलेशन, डेटा डेटा का कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, किस तरीके से वर्क करता है, एंड नो एसक्यूएल, एंड देन डेटाबेस टेक्नोलॉजी एंड सिलेक्टिंग राइट डेटाबेस, कुछ क्यूरीज जो सिलेक्टिंग होगी। तो वो ये जो बेसिकली आपका जो सिलेबस है इन सब के बारे में सारे टॉपिक्स कवर करते हैं हम। हर एक वीडियो में आपके लिए सारे वीडियो इसी टॉपिक के बेसिस पे लेके आएंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक डेटाबेस से कि डेटाबेस क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो पहला वीडियो आज हमारा डेटाबेस का रिलीज होने जा रहा है, तो हम इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इस इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर, वो हमारे टॉपिक्स है डेटा, डेटाबेसेस, डेटा क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन डेटाबेसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे फाइल सिस्टम की, देन डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, देन व्हाट इज द हायरार्की ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का हायरार्की क्या है, और एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। ये कुछ टॉपिक्स है जो इस वीडियो में हम आपको कवर करते हुए लेके चलेंगे। तो आज के टॉपिक्स का जो बेसिक हमारा रहेगा वो बेसिकली जो है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस, कि डीबीएमएस क्या है और कौन कौन से इसमें कॉन्सेप्ट है, क्या डेटाबेस क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या होती है, क्या डिसएडवांटेज रहे फाइल सिस्टम की जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेवलप हुआ, और हायरार्की क्या है डेटाबेस की, और प्लस एडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम, सॉरी एडवांटेज ऑफ फाइल डेटाबेस सिस्टम की क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे सीरीज में। तो व्हाट इज डेटा, डेटा क्या है, हमारा सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है डेटा। तो दोस्तों डेटा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि जो डेटा है बेसिकली क्या होता है, डेटा जो कुछ भी आप इनपुट करते हो सिस्टम के अंदर वो क्या है, डेटा है। तो डेटा का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता, जो भी इनपुट है वो क्या है, वो डेटा है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो। तो डेटा क्या है, एनीथिंग एनीथिंग या दैट यू हैव इनपुट इन कंप्यूटर या सिस्टम या एनीथिंग दैट इज इनपुट बाय द यूजर टू द मशीन इज नॉट डेटा। तो कुछ भी, कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट्स हो, स्टैटिक्स हो, या कोई भी जो मीनिंगलेस जो भी है वो न्यूमेरिक टाइप्स का हो, वो क्या होता है, डेटा होता है। तो डेटा कोई भी रॉ फैक्ट, डेटा का जो बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ, कोई भी रॉ फैक्ट
कोई भी रो फैक्ट हो या कोई भी इनपुट जो फीडिंग किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है, चाहे जिसकी कोई उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। तो डेटा की कोई मीनिंग लेस होता है, डेटा की कोई मीनिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने इनपुट किया 10, बट 10 क्या है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस यहाँ पे एक इतना पता है कि 10 एक न्यूमेरिक डिजिट है, बट इसका किस पर्पज से इसका यूज होगा, क्या इसका मैसेज है, क्यों आप इनपुट कर रहे हो, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो मीनिंगलेस डेटा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है डेटा की। राम कोई भी नेम है, राम है, टेन है, ये सब क्या है, डेटा। तो डेटा बेसिकली क्या, सबसे पहले जो टॉपिक है कि डेटा क्या है, तो डेटा क्या है, डेटा का मतलब जो भी एनी रो फैक्ट जो आप इनपुट कर रहे हो वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। डेटा आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी हो सकता है दोस्तों, ये आपके ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ये आपके वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, ये ग्राफिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा जो भी आप इनपुट कर रहे हो वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। एंड देर इज नो फिक्स फॉर्मेट ऑफ डेटा, डेटा का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, आप ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स टेक्स्ट किसी भी पिक्चर इमेज किसी भी फॉर्मेट में डेटा को इनपुट कर सकते हो, डेटा सिस्टम में डेटा इनपुट कर सकते हो। दूसरा जो इससे सबसे टॉपिक आता है देन इंफॉर्मेशन, तो डेटा के बाद में जो मेन है इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या है, डेटा तो एनीथिंग दैट इज दैट हैव मीनिंगलेस, जिसका कोई मीनिंग नहीं है वो क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। बट अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन की जब बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन है कि बेसिकली जो डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट किया जाए। इंफॉर्मेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, इट इज ए ऑर्गेनाइज वे ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करने का जो वे है वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज वे ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज वे ऑफ डेटा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो इंफॉर्मेशन रेफर डेटा, डेटा हैज बीन इन ऑर्गेनाइज वे, डेटा जो कि एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। जैसे आपने इनपुट किया राम जयपुर जाता है, तो ये एक इंफॉर्मेशन हो गई कि राम कहाँ जा रहा है, जयपुर जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी इनपुट जो आप प्रॉपर मीनिंग के साथ एंटर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज वे में एंटर कर रहे हो, वो डेटा जो भी एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हो रहा है वो क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आप रख रहे हो, ठीक है, तो उस स्टूडेंट की क्या है, वो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसका कंप्लीट डिटेल है जो आपके सिस्टम पे सेव हो रहा है वो उसकी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन का जो बेसिकली मतलब है वो है कि डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, डेटा को ऑर्गेनाइज वे में रखना या ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। देन हम बात करते हैं नॉलेज की, नॉलेज क्या है, नॉलेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि बेसिकली डेटा क्या है, डेटा कोई भी रो फैक्ट है जो किसी भी टाइप में हो सकता है, वो न्यूमेरिक हो सकता है, वो टेक्स्ट हो सकता है, वो ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो कोई मीनिंग लेस होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इन प्रॉपर वे इज नॉन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन क्या है कि डेटा को कलेक्ट करने का जो वे है, ऑर्गेनाइज वे में जो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपका इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, वे ऑफ रिप्रेजेंट डेटा इज नॉन इंफॉर्मेशन, या आप कह सकते हो कि डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करने का जो वे है वो कहलाता है इंफॉर्मेशन। उसके बाद में हम बात करते हैं नॉलेज की, कि नॉलेज क्या है, नॉलेज बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। नॉलेज क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो हो गई आपकी नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल इसको आप यदि समझे कि मैं एक डेटाबेस मेरे पास है स्टूडेंट्स का, यदि मैं वहां पे नॉलेज की बात करूँ तो मेरे पास स्टूडेंट की अलग अलग इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल उसके मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, ओके, उसके एडमिशन की इंफॉर्मेशन है, उसके फीस की इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी क्या होगी, ये सारी जो होगी ये इंफॉर्मेशन वह नॉलेज कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, नॉलेज कहलाएगी। तो तीन वर्ड्स हमने डिस्कस किया यहाँ पे, डेटा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब जो मेन कॉन्सेप्ट आता है कि डेटाबेस, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि डेटाबेस एक्चुअल में, ये तो हमने पढ़ा डेटा इंफॉर्मेशन और नॉलेज, बट डेटाबेस है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि डेटाबेस क्या है। तो डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा, कोई भी डेटाबेस का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइज वे में डेटा को कलेक्ट करना या स्ट्रक्चर वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना,
क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर इन कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब कोई भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो किसी एक प्रॉपर वे के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक अटेंडेंस लिस्ट होता है, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वो एक डेटाबेस है जहां पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डेटा को रखा जाता है, स्टूडेंट्स की डिटेल को रखा जाता है, वो क्या है? डेटाबेस है। तो डेटाबेस की जो सिंपल सी डेफिनेशन वो क्या होती है? डेटाबेस की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए ऑर्गेनाइज वे। ऑर्गेनाइज वे के अंदर इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा? आपका डेटाबेस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस कहलाएगा। तो यहाँ पे जो डेटाबेस की जो मीनिंग है वो आप सभी लोगों को समझ में आई होगी कि डेटाबेस क्या है। कि बेसिकली डेटाबेस आपका जो है वो है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइज वे के अंदर जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन किया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे अब तक आपको पता चला कि डेटाबेस क्या है, कि डेटाबेस किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो वे है वो क्या हो गया? आपका डेटाबेस हो गया। कि कोई भी कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगी? डेटाबेस कहलाएगी। अब बात करते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस बेसिकली आपको उस इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर एक मशीन में स्टोर करने के लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर की रिक्वायर होती है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर की रिक्वायर होती है। तो जो सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्रामिंग है वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाएगा। तो डीबीएमएस की जो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि डीबीएमएस एक इस तरीके का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है, इस तरीके का प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कि किसके लिए यूज किया जाता है? डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मैनुपुलेट करने के लिए। किसमें? डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर या वो प्रोग्राम है जो कि किसके लिए यूज होता है? डेटा को पर्टिकुलर मैनेज ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टोर करने के लिए, आपको उसको मैनिपुलेट करने के लिए। जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं वो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसे कि किसी भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजर है, वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है? डेटाबेस के फॉर्म में होती है। वहां एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर वे होता है हर एक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो जिस सॉफ्टवेयर या जिस प्रोग्रामिंग की हेल्प के थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं वो कहलाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या कहलाएगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अभी कंप्यूटर स्ट्रक्चर का फॉर्म भर रहे हो, तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म भरा जा रहा है तो उसकी हर डिटेल क्या हो रही है? आपके आरएसएसएमबी के सर्वर पे स्टोर हो रही है। हर एक स्टूडेंट की डिटेल कहाँ सर्वर स्टोर हो रही है? आरएसएसएमबी के सर्वर पे स्टोर हो रही है। तो आरएसएसएमबी जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या होगा? एक तरीके का डीबीएमएस टाइप का सॉफ्टवेयर होगा जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर में आपकी डेटा रखा जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नेम एक स्ट्रक्चर वे के अंदर स्टोर हो रहा है, आपका नेम, फादर्स नेम, हाँ आपका मदर्स नेम, आपकी एजुकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं कहीं जाके स्टोर हो रही है। वो किसमें स्टोर हो रही है? किसी डेटाबेस में स्टोर हो रही है। वो किसमें स्टोर हो रही है? डेटाबेस में स्टोर हो रही है। और उस डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप रिट्राइव कर सकते हो, उसको वापस से देख सकते हो। जैसे हम फॉर्म भरना चाहें, जो फॉर्म नंबर से हमें वापस से हमारा एप्लीकेशन देखना चाहे तो हम उस एप्लीकेशन नंबर से उसमें हमारे रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं। साथ के साथ उस रिकॉर्ड में आपको यदि कुछ चेंजेस करना हो तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, मतलब आप उसको अपडेट कर सकते हो, आप उस पर कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम है जो कि डेटा को स्टोर करने, किसी भी टाइप का डेटा हो उस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। उस डेटा को स्टोर करने के साथ साथ उसको मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज किया जा रहा है, वो होगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, जिसे हम बोलते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के जो मेनली जो एग्जाम्पल्स है वो है आपका आरडीबीएमएस, जिसे रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम बोला गया MySQL, ओरेकल, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में काम आते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली क्या काम करते हैं? डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं।
तो ये जो एग्जाम्पल्स है RDBMS, MySQL, Oracle, वो किसके हैं? DBMS के। वो किसके एग्जाम्पल्स है? DBMS के। ये ऐसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो डेटा को स्टोर करते हैं, उस पर बहुत सारे ऑपरेशन मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये होता है डेटाबेस। अब हम बात करते हैं कि जब डेटाबेस नहीं आया था उससे पहले भी डेटा कहीं कहीं स्टोर होता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इसको मैं एक अच्छी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आज से पहले, काफी टाइम पहले, यदि 10 से 15 साल में पहले की बात करूँ, जो बड़े बड़े जो या छोटी मोटी आपने दुकान देखी होगी या कहीं पे भी होगी, आज सब जगह जो भी बिलिंग होती है वो किसी न किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज करके करते हैं, चाहे वो टेली हो या और कुछ हो। तो उस समय अब जो डेटा स्टोर हो रहा है वो मशीन पे स्टोर हो रहा है, वो किस सॉफ्टवेयर में स्टोर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, वो टेली के अंदर स्टोर हो रहा है। तो क्या पहले भी डेटा सॉफ्टवेयर में स्टोर होता था? नहीं, पहले जब डेटा था वो जैसे अकाउंटेंट होते थे वो उसको बही खातों में एंटर करके रखते थे, किसी भी जो कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो बही खातों में रखा जाता था। तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो बहुत टाइम पहले से हमारे यहाँ से आया हुआ था कि किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में जो वो अरेंज करते थे वो क्या कहलाता था? वो डेटाबेस कहलाता था। तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर से पहले, इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले जो भी इंफॉर्मेशन रखी जा रही थी, इंफॉर्मेशन तो पहले भी रखी जा रही थी, तो वो जो इंफॉर्मेशन रखी जा रही थी वो किस फॉर्म में रखी जाती थी? फाइल सिस्टम की फॉर्म में रखी जाती थी। तो फाइल सिस्टम को क्या बोला गया? ट्रेडिशनल अप्रोच बोला गया। फाइल सिस्टम को क्या बोला गया? ट्रेडिशनल अप्रोच। डेटा को स्टोर करने की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो कहलाएगी फाइल सिस्टम। वो क्या कहलाएगी? फाइल सिस्टम। बट इस फाइल सिस्टम को मैनेज करना, जो डेटा है फाइल सिस्टम के अंदर, वो क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वो क्या है? डिफिकल्ट है, क्योंकि फाइल सिस्टम में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, कि लेट सपोज आपको किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा को फेच करना है, तो आप पूरी फाइल में जाके सर्च करोगे तब जाके आपको उसका डेटा कंप्लीटली मिलेगा। तो फाइल सिस्टम क्या है कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी जो कि क्या काम आ रही थी? डेटा को स्टोर करने में। जो कि क्या काम आती? डेटा को स्टोर करने में। बट इसको जो मैनेज करना वो क्या था? डिफिकल्ट था। तो इस तरीके से डिफिकल्ट होने की वजह से क्या हुआ? कुछ नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई और उसने रिप्लेस किया फाइल सिस्टम को डीबीएमएस से। उसने क्या रिप्लेस किया? फाइल सिस्टम को डीबीएमएस से रिप्लेस किया। तो फॉर एग्जाम्पल की कई सारे फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड हमारी होगी कि डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम की, फाइल सिस्टम के क्या डिसएडवांटेज रहे जो कि जिसकी वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। तो फाइल सिस्टम में क्या होता था कि इंफॉर्मेशन फाइल्स की फॉर्म में रखी जा रही थी। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप रख रहे हो, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है? सबसे पहले जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो एडमिन ब्लॉक के अंदर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके साथ साथ जैसे कि एडमिन के साथ साथ उसका अकाउंट है, फीस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में उसके स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इसी तरीके से रिजल्ट का रिकॉर्ड यदि रखा जा रहा है तो वो एग्जाम डिपार्टमेंट में उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ऐसे कई सारी फाइल्स बनाई जा रही है अलग 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 डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अपनी अपनी सेपरेट फाइल बना रहा है। तो हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट फाइल बना रहा है। तो उस फाइल्स में से डेटा को मैनिपुलेट करना या एक्सेस करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज रहे कि यदि एक टाइप की इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग पांच जगह पे स्टोर की जा रही है जिसका कोई यूजर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि एडमिन के अंदर भी हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसका नाम, फादर्स नेम, उसके मोबाइल नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारा। इसी तरीके से फीस डिपार्टमेंट में भी सेम इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है, एग्जाम में भी सेम इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में कहीं कहीं स्टोर हो रही है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी तो उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन अलग अलग फॉर्म में स्टोर होती थी। तो इसका जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे कि आप एक तरीके की स्टूडेंट है जिसकी आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज के अंदर, तो उसमें क्या किया था कि पहले जो अलग अलग फाइल्स बनाना होता था और उन अलग अलग फाइल्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में, इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में स्टोर रहती थी। तो यदि कोई भी एडमिन वाला ब्लॉक था वो फीस वाले डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता था, तो उसको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में भी वहां से भी क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइल सिस्टम में जो डिसएडवांटेज आए उसको रिमूव करने के लिए हमने डीबीएमएस का डेवलप किया। तो डीबीएमएस ने क्या किया कि जो भी फाइल सिस्टम के डिसएडवांटेज थे उसको रिमूव किया।
तो हम सबसे पहले जानेंगे कि फाइल सिस्टम के क्या-क्या डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से डीबीएमएस डेवलप हुआ। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम की बात की जाती है, तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज आता है फाइल सिस्टम का वो होता है डेटा रिडंडेंसी। क्या डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम का? डेटा रिडंडेंसी। तो फाइल सिस्टम में आशा करता हूँ कि फाइल सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि फाइल सिस्टम क्या है, कि फाइल सिस्टम बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर तो किया जा रहा है आपका, बट वो एक प्रॉपर मैनर में स्टोर नहीं हो रही, वो किसी सॉफ्टवेयर पे स्टोर नहीं हो रही, वो एक फाइल पे एक एप्लीकेशन टाइप वो स्टोर हो रही है। तो वहां पे उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज रहे फाइल सिस्टम के डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमने बताया कि यदि एक स्टूडेंट की जो सेम स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन अलग 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 पांच जगह स्टोर है, तो वो उसको एक्सेस करने में डिफिकल्ट होगी, जबकि इन्फॉर्मेशन क्या है, सेम है, तो एक इन्फॉर्मेशन को आप पांच जगह अलग अलग कॉपी कर रहे हो, तो आपको उसमें जो टाइम कंज्यूमेशन है वो भी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फाइल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक रहे जिसकी वजह से हम डीबीएमएस पे बात करते हैं कि डीबीएमएस इसकी वजह से डेवलप हुआ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस फाइल सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज की वजह से डेवलप हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम के। पहला, डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है? डेटा रिडंडेंसी का मतलब समझिए कि सेम इंफॉर्मेशन अलग 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 जगह स्टोर हो रही है, वो कहलाएगा डेटा रिडंडेंसी। वो क्या कहलाएगा? डेटा रिडंडेंसी। या आप इसे बोल सकते हो कि सेम इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, डुप्लीकेट डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर हो रही है। तो एक इंफॉर्मेशन कई जगह स्टोर हो रही है मतलब उसका डुप्लीकेशन हो रहा है। उसका क्या हो रहा है? डुप्लीकेशन हो रहा है। तो फाइल सिस्टम का जो मेन डिसएडवांटेज रहा वो रहा डेटा रिडंडेंसी। क्यों डेटा रिडंडेंसी क्यों रहा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास स्टोर है, तो एडमिन ब्लॉक के अंदर जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड आपके एग्जाम ब्लॉक के अंदर भी है, ठीक है, वही रिकॉर्ड आपके फीस वाले ब्लॉक के अंदर भी स्टोर है। तो इन्फॉर्मेशन सेम है, मतलब स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, डीओबी और उसके हर इन्फॉर्मेशन सेम है, बट इसको हमने क्या किया, फाइल के वे के अंदर जब हम बात करते हैं, क्योंकि फाइल हमारी अलग अलग है तो हमें इन्फॉर्मेशन को भी अलग अलग फाइल्स में जाके स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ डेटा रिडंडेंसी क्या होगा कि सेम इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन क्या है, वो डुप्लीकेट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में स्टोर हो रही है, अलग अलग फाइल्स में स्टोर हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, वो डुप्लीकेट वे में स्टोर हो रही है। वो क्या हो रही है? डुप्लीकेट वे में स्टोर हो रही है। तो जब एक फाइल डुप्लीकेट वे में स्टोर हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो आपकी जो स्टोरेज है कैपेसिटी वो भी क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है, वो भी ऑक्यूपाई कर रही है। तो यहाँ पे जो डेटा रिडंडेंसी है वो सबसे मेन क्या है, उसका वेस्टेज क्या है, वो किसको लीड कर रही है, मेमोरी वेस्टेज को ज्यादा लीड करती है, कि एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो पांच अलग अलग फाइल्स में स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट ए की है बट उसकी लाइब्रेरी फाइल के अंदर अलग उसका रिकॉर्ड स्टोरेज है, ऐसे फीस फाइल में भी उसका जो रिकॉर्ड है वो स्टोर है, ऐसे एडमिन ब्लॉक में उसका जो रिकॉर्ड है वो स्टोर है, ऐसे ही एग्जाम की मैं बात करूं तो एग्जाम ब्लॉक में उसका सेम रिकॉर्ड स्टोर है। तो एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो पांच पांच अलग अलग फाइल्स में रहा, एग्जाम फाइल में रहा, डेटा मार्क्स आपके एडमिन फाइल में रहा, फीस फाइल में रहा, सेम इंफॉर्मेशन अलग पांच पांच जगह स्टोर रही। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो मेमोरी वेस्टेज भी करता है, वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी। वो क्या है? डेटा रिडंडेंसी। तो इस डेटा रिडंडेंसी को रिमूव किया डेटाबेस के अंदर, किसमें रिमूव किया, डेटाबेस के अंदर रिमूव किया, जिसके अंदर क्या हुआ कि आपको एक इंफॉर्मेशन एक ही जगह स्टोर कर रहे हो आप, और उसको कहीं पे भी उस डेटाबेस के अंदर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो सेम इंफॉर्मेशन है यदि तो वो एक ही जगह स्टोर हो रही है, उसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो वहां मेमोरी वेस्टेज क्या होती है, बिल्कुल कम होता है, मेमोरी वेस्टेज क्या होती है, कम होता है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब समझ में आया कि सेम इंफॉर्मेशन, इसको हम डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फाइल सिस्टम का ये रहा कि इसके अंदर क्या रहती है, डेटा की डिसरिडंडेंसी रहती है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन अलग 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 जगह अलग अलग स्टोर हो रही है। जिससे मैंने एग्जांपल से भी समझाया कि जो फाइल सिस्टम के अंदर क्या है कि आपकी जो फीस फाइल है वो अलग है, लाइब्रेरी की फाइल अलग है, एग्जाम की फाइल अलग है, ठीक है, ये अलग अलग जो 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 नीड के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग फाइल्स डेवलप कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन है सेम इन्फॉर्मेशन को ही हमने पांच जगह पुट किया, तो सेम इन्फॉर्मेशन अलग 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 पांच जगह स्टोर हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डेटा का कहीं कहीं डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये कहलाता है डेटा रिडंडेंसी। ये क्या कहलाता है? डेटा रिडंडेंसी।
दूसरा जो डिसएडवांटेज आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, वो क्या है? डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ डेटा रिडंडेंसी इट इज पॉसिबल दैट डेटा मे नॉट बी कंसिस्टेंट स्टेट, कि सेम डेटा यदि एक ही डेटा अलग अलग जगह स्टोर है तो वो ये नहीं हो सकता है कि वो सेम रहे। मतलब क्या है डेटा इनकंसिस्टेंसी को समझिए। डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके पास फाइल के अंदर, जैसे फाइल सिस्टम में हम बात करें तो अलग अलग जो वर्क की है अलग अलग फाइल्स हमने स्टोर कर रखी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट की रिकॉर्ड की मैं बात करूँ तो ये है आपकी फी फाइल, ठीक है, यह है आपकी मार्क्स की फाइल, और भी ऐसे कई सारी फाइल्स इसमें रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यदि किसी भी, जैसे रिकॉर्ड में चेंज होता है, किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में चेंज होता है, जैसे उसके डीओबी गलत प्रिंट हो गई या गलत इनपुट कर दी, तो वो डीओबी में चेंज करवाना चाह रहा है, तो ये क्या होगा कि जो रिडंडेंसी होगा कि सेम इंफॉर्मेशन पांच अलग अलग जगह स्टोर नहीं होगी। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि जो डेटा रिडंडेंसी की वजह से क्या होगा, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो डेटा स्टोर है सेम डेटा यदि पांच जगह जगह स्टोर है तो वो हो नहीं सकता है कि वो सेम होए, उनकी जो स्टेट है वो कॉन्सिस्टेंट रहे, मतलब सेम ही रहे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अलग अलग पांच डेटा फाइल्स में स्टोर है, कि फीस फाइल में अलग है, मार्क्स फाइल में अलग है, आपका एडमिन फाइल में अलग है, अलग अलग डिपार्टमेंट में डेटा स्टोर है। बाय द वे आपने क्या किया कि किसी एक डेटा के अंदर, एक फाइल के अंदर आपने उसको अपडेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल नंबर स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो अलग अलग फाइल्स में स्टोर है, और मैंने अपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और मैंने एडमिन में जाके बोला कि ये मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दो, तो यहाँ पे एडमिन वाली फाइल में आपके मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए गए, बट जो अदर फाइल है उसके अंदर आपने जाके नहीं बोला, तो वहां पे इंफॉर्मेशन क्या नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई, वहां पे इंफॉर्मेशन क्या नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई। तो डेटा सेम है बट डेटा क्या हो गया, एक स्टूडेंट के टू अलग अलग इंफॉर्मेशन हो गई, कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। इनकंसिस्टेंस का मतलब है कि डुप्लीकेशन की वजह से सेम डेटा क्या हो सकता है, डेटा एक ही चीज का जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो डेटा इनकंसिस्टेंसी का सिंपल सा जो मतलब है वो क्या होगा कि डेटा रिडंडेंसी की वजह से क्या होता है कि आपने किसी एक फाइल में चेंजेस कर दिया बट आप दूसरी फाइल में चेंजेस करना भूल गए, तो वहां पे जो दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो कोलैप्स होगी, सेम इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि आपकी किसी स्टूडेंट का जो डेटा है वो अलग अलग फाइल में स्टोर है, फीस फाइल में स्टोर है, उसकी आपकी मार्क्स फाइल में स्टोर है, एग्जाम फाइल्स में स्टोर है, और भी अलग अलग फाइल्स में स्टोर है, बट आपने चाहा कि एक फाइल में जाके आपने इसमें चेंज कर दिया और आप अदर फाइल्स में चेंज करना भूल गए, तो वहां पे सेम इंफॉर्मेशन, सेम फाइल में जो इंफॉर्मेशन है वो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन हो गई, तो वो कोलाज करोगे एक दूसरे की, डिफरेंस डिफरेंट होगी दोनों इंफॉर्मेशन, तो वो डेटा होगा सेम डेटा क्या नहीं होगा, कॉन्स्टेंट डेटा नहीं होगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा डेटा। तो इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि डेटा सेम नहीं रह पाता फाइल सिस्टम के अंदर, कोई भी मिस्टेक की वजह से यदि डेटा को आपने अपडेट नहीं किया तो वो क्या नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे डेटा इनकंसिस्टेंसी रह सकती है फाइल सिस्टम के अंदर की डेटा की रिडंडेंसी की वजह से, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होने की वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट रह सकता है दो अलग अलग फाइल्स में। तीसरा टॉपिक है डिफिकल्टी इन एक्सेस डेटा। आपका जो फाइल सिस्टम के अंदर है वो डेटा को एक्सेस करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि आपके पास काफी सारा रिकॉर्ड स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फाइल, और आप पर्टिकुलर कोई एक कंडीशन के डेटा को, फाइल को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर है, आरएसएस में जैसे आपने फॉर्म भरा तो आपका सभी का स्टोर उसमें डेटाबेस में स्टोर हो गया, बट वो यदि जो रिकॉर्ड है वो यदि किसी फाइल में स्टोर होता है, मैं जब कोई भी कंडीशन लगा के देखना चाहूँ कि इस पर्टिकुलर जो लाइक कास्ट की में से कितने फॉर्म फिल किए गए, तो वहां पे उस तरीके के डेटा को एक्सेस करना फाइल सिस्टम में इजी नहीं है। तो यहाँ पे जो डेटा फाइल से डेटा को एक्सेस करना क्या नहीं आता, कन्वीनियंट नहीं होता है, और प्रोसेसिंग इफिशियंट इफिशियंट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और इफिशियंट भी कम होता है। तो डिफिकल्टी इन एक्सेस डेटा मतलब क्या है कि डेटा जो स्टोर हो रखा है उसको एक्सेस करने में भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है।
फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर है रखा है उसको भी एक्सेस करने में क्या होती है, डिफिकल्ट टास्क होती है, एक्सेस इजी वे में एक्सेस नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। फाइल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो डेटा का जो शेयरिंग होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। मतलब डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल, डेटा डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में होता है और इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं डेटा, अलग अलग इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर है। तो ये क्या करेगी कि ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट फाइल्स जो है वो अलग अलग फोल्डर्स में स्टोर हो रही है, या फिर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर कोई भी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर यूजर को ही एक्सेस कराना चाहता हूँ, तो वो वहां पे जो डेटा की शेयरिंग है वो एक लिमिटेड हो जाती है। तो लिमिटेड डेटा शेयरिंग मिलती है यहाँ पे कि डेटा का जो एक्सेस करना है वो वेरियस फाइल्स के अंदर क्या नहीं होता, पूरा नहीं होता है, या लिमिटेड डेटा शेयरिंग हमें मिलती है क्योंकि डेटा अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। उसके बाद में जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इसके अंदर सिक्योरिटी। जो आरडीबीएमएस है, मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम की मैं बात करूं तो फाइल सिस्टम लेस सिक्योर होता है एज कम्पेयर डीबीएमएस। क्यों? क्योंकि डीबीएमएस को आप कई तरीके से सिक्योर कर सकते हो, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो, तो बट जो आपका फाइल सिस्टम है उसमें डेटा सिक्योर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या होता है, आप अपना डेटा स्टोर कर रखे हो, आपका जो रिजल्ट है वो कहीं कहीं स्टोर होता है एग्जाम देने के बाद में, तो यहाँ पे जो यूजर्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। अलग अलग टाइप का मतलब एक जो यूजर जिसने पेपर को सोल्व किया वो यूजर हो गया, दूसरा जो उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहा है, रीड कर रहा है, वो अलग यूजर हो गया। तो यहाँ पे जो है डेटा फाइल सिस्टम में हम क्या कर नहीं सकते, सिक्योर नहीं हो सकते, हमारे डेटा को सिक्योर नहीं रह सकते, कोई भी उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम के। तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ तो बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली कि क्या डिसएडवांटेज है, तो यहाँ से डेटा रिडंडेंसी का मतलब आपको अच्छी तरह आना चाहिए। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है कि डेटा रिडंडेंसी का मतलब सिंपल सा क्या है कि एक इंफॉर्मेशन अलग अलग डुप्लीकेटेड वे में स्टोर हो रही है, वो कहलाएगी डेटा रिडंडेंसी। इसी तरीके से डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि यदि आपने किसी एक पर्टिकुलर फाइल में चेंज कर दिया, एक इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया, बट आप दूसरी इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ डेटा इनकंसिस्टेंट रहेगा दोनों फाइल्स के अंदर, तो ये होगा डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो कभी भी डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि बेसिकली जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है वो रिडंडेंसी की वजह से आ रही है। तो यहाँ पे डेटा अलग अलग फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो किसी एक फाइल में आपने चेंजेस कर दिया तो ऑटोमेटिक दूसरी फाइल में चेंजेस नहीं होगा, तो सेम डेटा अलग अलग इनकंसिस्टेंट रहेगा। इसके बाद में डिफिकल्टी इन एक्सेस डेटा, तो डेटा को जो एक्सेस करना वो भी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है फाइल सिस्टम के अंदर। फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस करना ईजी नहीं होता है, डेटा जो आप स्टोर कर रहे हो उसको वापस से रिट्राइव करना टफ होता है आपके फाइल सिस्टम के अंदर। ऐसे लिमिटेड डेटा शेयरिंग फाइल सिस्टम में हमें मिलती है कि डेटा की शेयरिंग कंप्लीट नहीं मिलती है, लिमिटेड डेटा ही शेयर होता है फाइल सिस्टम के अंदर। दूसरा है फिर उसके बाद में सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी क्या है कि बेसिकली जो डीबीएमएस है वो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है एज कंपेरिजन फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम आपका क्या होता है, कम सिक्योर रहता है, कोई भी जीवे में उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम। तो आज के वीडियो के अंदर हमने देखा डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, नॉलेज क्या होती है, साथ साथ देखा डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले डेटा किसमें स्टोर होता था, पहले डेटा फाइल्स में स्टोर होता था, फाइल कौन सी अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है डेटा को स्टोर करने के लिए, बट जो कंप्लीट डेटा है उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज रहे फाइल सिस्टम के। वो हमने देखा कि डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, एक्सेसिंग डेटा इन डिफिकल्ट, लिमिटेड डेटा शेयरिंग, सिक्योरिटी, ये कुछ डिसएडवांटेज है फाइल सिस्टम के। तो आज के वीडियो में हमने 3-4 टॉपिक्स कवर किए, और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि हायरार्की क्या होती है डेटाबेस की, और इसके अलावा हम उसमें बात करेंगे डेटाबेस डिजाइन, ईआर मॉडल, इन सभी टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हुए हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में साथ जो बेल आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पे नए कोई वीडियो रिलीज होए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद। We'll be right back.